हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोना फ्रॉम सबस्टार चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चीज़ कॉर्न पराठा जो बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह लगता है। और इसमें क्योंकि हमने बहुत सारी सब्जियाँ ऐड की है इसलिए ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों से लेकर बड़ों तक को सभी को ये बहुत पसंद आने वाला है। तो आप ये चीज़ कॉर्न पराठा घर पर ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ साथ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए अब हम जल्दी से चीज़ कॉर्न पराठा बनाना शुरू करते हैं। चीज़ कॉर्न पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 50 ग्राम कद्दूकस किया हुआ चीज़, 50 ग्राम अमेरिकन कॉर्न जिसके मैंने दाने अलग निकाल लिए हैं, 2 टीस्पून देसी घी, 200 ग्राम गेहूं का आटा, आधी बारीक कटी हुई प्याज, 1 बारीक कटी हुई लहसुन, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, आधी बारीक कटी हुई गाजर, आधी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ा पानी, 50 ग्राम मैदा, 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल, थोड़े मटर के दाने, यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है, आप चाहें तो फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून लेमन जूस। और अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इस बाउल में हम ये आटा ऐड कर देंगे, मैदा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगभग 1/2 टीस्पून के करीब, नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे। और अब हम नॉर्मली जैसे आटा गूंथते हैं रोटी का उसी तरह से हम आटा गूंथ लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं रहना चाहिए। एक बार सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटे को गूंथ लेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए इस तरह से आटा लगा लेने के बाद अब हम इसे लीड कवर करके कम से कम 15 मिनट के लिए यूं ही रेस्ट के लिए रखे रहने देंगे और हमारा आटा रेस्ट करेगा जब तक हम हमारी पराठे की स्टफिंग बनाकर रेडी कर लेंगे। और अब स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, गैस का फ्लेम मैं ऑन कर लूँगी और अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। और अब ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे सबसे पहले अनियंस, गार्लिक, एक बार इसे मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद एक एक करके हम इसमें हमारी सारी बारीक कटी हुई सब्जियां डालेंगे, शिमला मिर्च, गाजर, कॉर्न और अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे, हमारे लाल मिर्च पाउडर इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, काली मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला और नमक। और अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे, गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। सभी चीज़ें मिक्सअप कर लेने के बाद इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। लगभग 1 से 2 मिनट बाद हम इसमें हमारी मटर भी ऐड कर देंगे और अब इसे हम मिक्स कर देंगे। और अब लगभग 2 मिनट बाद अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके बाद एक इस तरह के मैशर के हेल्प से हम इसे थोड़ा थोड़ा पुश कर देंगे और अब ठंडा हो जाने के बाद ये हम हमारे स्टफिंग को एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है और गैस का फ्लेम मैं ऑन कर दूंगी, इसे हम स्लो कर देंगे और अब हम पराठा बेलेंगे। तो ये जो आटा है जो हमने गूंथ कर तैयार कर कर रखा था ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम फिर से एक बार लगभग 2 मिनट के लिए इसी तरह से इसे चिकना कर लेंगे मैश करते हुए। और अब हम इसमें से एक लोई तोड़ेंगे, जितना बड़ा हम रोटी के लिए आटा लेते हैं लगभग उतना ही बड़ा इस तरह से मैंने बॉल बना लिया है और अब मैं इसे बेलूँगी। इस तरह से बना लेने के बाद अब हम इसमें पहले थोड़ा सा ये जो हमने घी ले रखा है वो घी को हम स्प्रेड कर देंगे सभी तरफ इस तरह से। इस पर घी लगा देने के बाद ये जो हमने स्टफिंग रेडी की हुई है वो इसमें हम लगभग 1 से 1/2 टीस्पून के करीब ये स्टफिंग ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीज़, तो आप चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें। अब हमें इसे फोल्ड करना है तो इसके लिए पहले हम इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देंगे और अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस पर हल्का सा घी लगा देंगे, फिर से इस साइड से भी फोल्ड कर देंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से, दोनों इसके कॉर्नर्स को आप प्रेस कर दें
ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसे चौकोर बनाना चाह रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पराठा बनकर रेडी हो गया है। और अब हम इसे तवे पर डालेंगे। हम इस पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे, ऑयल या घी, यहाँ मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। बेल रखा है चीज़ कॉर्न पराठा, इसे हम डाल देंगे और अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो इसे एक साइड से पकने में लगभग 1.5 से 2 मिनट का समय लगता है मीडियम फ्लेम पर, और जब तक हम हमारा दूसरा पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए अब हमारा पराठा एक साइड से सिक चुका होगा, देखिए इस तरह से कितना अच्छा दिख रहा है ये। और अब हम इस पर घी लगा देंगे, इसे बैक साइड से भी लगभग 1.5 से 2 मिनट तक पकने देंगे। और अब लगभग 1.5 से 2 मिनट बाद हम इसे फिर से टर्न करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये सिक चुका है। और अब हम इस साइड से भी इस पर अच्छी तरह से घी लगा देंगे। और अब हम इसे, मैशर आता है इसकी हेल्प से, इसे बहुत ज़्यादा जोर लगाकर आप नहीं प्रेस करें नहीं तो मसाला बाहर आ जाएगा। इसे हल्का हल्का हम कॉर्नर्स पे प्रेस कर देंगे ताकि हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छी तरह से सिक जाएं। और अब इसके बाद हम इसे एक बार फिर से टर्न कर देंगे और अब हम इसे इस साइड से भी अच्छी तरह से एक बार सेक लेंगे। और अब हम इसे निकाल लेंगे एक सर्विंग प्लेट में। ये देखिए बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ये पराठा। और इस साइड से यदि आप देखेंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सिका है। और अब हम इसी तरह से हमारे बाकी के पराठे भी सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारे कॉर्न चीज़ पराठे बनकर बिल्कुल तैयार है। और मैं अब आपको इसको बीच में से कट करके बताती हूँ कि ये कितने यम्मी लगते हैं। ये देखिए अंदर से जो इसमें हम चीज़ भरते हैं और वो मेल्ट होता है, वो बहुत ही यमीस्ट टेस्ट देता है। ये टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आएगा, तो आप ये पराठे घर पर ज़रूर ट्राई करें। और इसे आप गर्मा गर्म पराठों के को सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।